हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विजन आई एस एनवायरमेंट पी टी के करंट अफेयर्स आज के इस लेक्चर के जरिए हम ग्लोबल सिनारीोज़ इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के भी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सिनारी तो क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लोबल सिनारी में जो भी टॉपिक रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं तो पहला ग्लोबल सिनारी जो था वो था आई सी की सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जिसको पार्ट थ्री भी कहा जाता है याद रखिए ये सिक्स असेसमेंट का पार्ट थ्री है तो इसी के असेसमेंट के पार्ट वन भी रहा होगा पार्ट टू भी रहा होगा और ये पार्ट थ्री की रिपोर्ट है समझते हैं ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आ गया क्योंकि वही है दोस्तों आईपीसीसी ने रिलीज़ करा अपना थर्ड पार्ट जो सिक्स असेसमेंट की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है थर्ड पार्ट का इसका टाइटल था क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस द वर्किंग ग्रुप थर्ड कंट्रीब्यूशन टू द दिक्स असेसमेंट रिपोर्ट ठीक है समझ लेते हैं आईपीसीसी के बारे में आईपीसीसी का दोस्तों फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है किस चीज़ के ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई तो दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत यानी आईपीसीसी की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी किसके द्वारा बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम तो इन दोनों ने मिलकर निकाला तो आपसे पूछा जाएगा बताओ आई ने आई को किस दोनों ने मिलकर बनाया तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यू एन ऑब्जेक्टिव क्या है आई का प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल साइंटिफ़िक इंफॉर्मेशन दैट दे केन यूज़ डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज ओबियसली प्रोवाइड कवर करना गवर्नमेंट को सारे लेवल्स पे साइंटिफिक इंफॉमेशन ताकि गवर्नमेंट जो है डेवलप कर सके क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ को ठीक है आई जो है यू बॉडी है फॉर असेसिंग साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ठीक है अगर बात करी जाए आई के कितने मेम्बर्स हैं तो अभी एक सौ पचानवे देश इसके मेंबर हैं और भारत भी इसका है अदर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस रिपोर्ट में uh, मतलब आईपीसीसी के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पहला है ये प्रिपेयर करता है असेसमेंट रिपोर्ट्स स्पेशल रिपोर्ट्स और मेथोलॉजी रिपोर्ट्स को ठीक है हाउ एवर इट डज नॉट इट्स सेल्फ इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च इन 2007 आईपीसीसी वाज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज़ तो दो हज़ार सात में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल रखा आई पी सी सी को अब सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ये जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट लाई गई है इसमें क्या क्या बताया गया है ये दोस्तों रिपोर्ट में अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं और मिटिगेशन से रिलेटेड हैं वो बताया गया है क्या क्या हमने प्रोग्रेस करी है और क्या क्या कस्में खाई गई हैं देशों के द्वारा वो सब कुछ भी बताया गया है इसके अलावा ये रिपोर्ट में ये भी एग्जामिन करा गया है कि भाई जो वर्ल्ड लेवल पे एमिशंस हो रहे हैं ना उसका सोर्स क्या है ये सारी की सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं अदर रिपोर्ट्स ऑफ देख लेते हैं असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स तो असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स के अंतर्गत ही अदर रिपोर्ट्स हैं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप वन और इस रिपोर्ट का क्या नाम था क्लाइमेट चेंज 2021 थाउजेंड ट्वेंटी द फिजिकल साइंस बेसिस रिलीज इन अगस्त 2021 मैं बता चुका हूँ ये सिक्स असेसमेंट की रिपोर्ट थी और ये थर्ड रिपोर्ट थी है ना इसके अलावा मैं बता चुका हूँ फर्स्ट रिपोर्ट भी आई होगी इसके अलावा सेकेंड भी रिपोर्ट थी देख लीजिए रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ये इसका टाइटल क्या था क्लाइमेट चेंज 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू इम्पैक्ट्स अडेप्टशन वॉलिबिलिटी ये रिलीज़ करी गई थी फेबररी दो हज़ार बाईस में ठीक है इसके अलावा सिंथेसिस रिपोर्ट ये रि, रिलीज़ करी जाएगी दो हज़ार तेईस में ठीक है तो ये सारी की सारी हमने रिपोर्ट्स देख ली अब देख लीजिए मिटिगेशन टारगेट्स फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर आई पी सी सी अससमेंट रिपोर्ट सिक्स तो असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स के अनुसार हम लोगों को कौन कौन से मिटिगेशन टारगेट्स अपनाने पड़ेंगे ताकि हम क्लाइमेट गोल जो है हमारा उसको अचीव कर सके तो देख लीजिए कौन कौन से हमको टारगेट पूरा करना पड़ेगा पहला टारगेट तो ये है कि हम लोगों को पूरे ग्लोबल वार्मिंग इसको डेढ़ डिग्री डेढ़ डिग्री से बढ़ने से रोकना होगा ठीक है देख लीजिए टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस अमिशंस पीक बिफोर 2025 रिड्यूस बाय 43 परसेंट बाय 2030 तो ये टारगेट है अब दूसरा टारगेट है रीच करना ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड अमिशंस 2050 तक हमको ये अचीव करना है इसके अलावा मीथेन को रिड्यूस करना 34 परसेंट कब तक 2030 तक इसके अलावा हमको कोशिश करना है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर सकें दो डिग्री सेल्सियस तक ठीक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस अमिशंस पीक बिफोर 2025 थाउजेंड बाय 27 रिड्यूसड परसेंट बाय 2030 इसके अलावा रीच करना ग्लोबल नेट जीरो कार्बन अमीशंस अराउंड अर्ली ट्वेंटी ठीक है अब की फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इस थर्ड पार्ट की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया था तो देख लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन था एमिशंस को लेकर ठीक है इन्होंने बताया देख लीजिए 2010 और 19 में बोला इन्होंने कि जो टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन थे ये हमेशा बढ़ते रहे एंथ्रोपोजेनिक समझते हो ना जो इंसानों के द्वारा बढ़ाई गई ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये हमेशा बढ़ती गई दो से लेकर उन्नीस तक इसके अलावा इन्होंने बोला अठारह से लेकर अभी तक क्यूमलेटिव जो नेट जीरो कार्बन एमिशंस हैं वो भी बढ़े हैं इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो इनक्रीज हुए 2010 दो से कब सारे के सारे मेजर सेक्टर्स में ग्लोबली ठीक है तो जितने भी सेक्टर्स हैं चाहे सर्विस सेक्टर ले लीजिए एग्रीकल्चर ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग तो इन सब में एंथ्रोप्रोजेनिक ग्रीन हाउस गैस अमिशन बढ़ा है इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो एवरेज एनुल ग्रीन हाउस गैस अमिशन रहा है 2010 से लेकर 2019 तक ये सबसे ज़्यादा रहा है किसी भी प्रीवियस डिकेट को मिला लें तो यहाँ पे एवरेज एनअल की बात हो रही है ठीक है तो मतलब एनुअली जितना हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस अमीशन करा है वो बहुत ज़्यादा रहा है आप ये जरूर याद कर लीजिए ये ग्राफ सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आता है ठीक है तो एनर्जी सेक्टर से सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन ठीक है फिर आता है इंडस्ट्रीज से फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से फिर ट्रांसपोर्ट से फिर बिल्डिंग से ऐसे सीरियल वाइज पूछ सकता है यू की बताओ सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कौन सा होता है तो आप ये, ये सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी सप्लाई से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है अगला रिपोर्ट में क्या चीज़ बताया गया अगला बताया गया है वेरिएशन इन द रीजनल कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस अमीशन है तो इन्होंने बोला कि अगर हम वर्ल्ड को देखें वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें तो कुछ कंट्रीज से तो बहुत ज़्यादा अमीशन होता है ठीक है और वो लोग इतना इस अमीशन को रोकने के लिए पैसा खर्च नहीं करते और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से बहुत ही कम अमीशन होता है लेकिन आपको पता है अब ग्रीन हाउस गैस अमीशन का इफेक्ट तो सभी के ऊपर बराबर पड़ेगा चाहे वर्ल्ड के कोई भी लोग हो लेकिन वही कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस अमीशन को लेकर कुछ ही देश बहुत ज़्यादा करते हैं और उसको वो कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं देख लीजिए इन्होंने बोला रिपोर्ट में एटलीस्ट एटीन कंट्रीज सस्टेंड ग्रीन हाउस गैस अमीशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर दैन टेन ईयर्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैव मच लोअर पर कैपिटा एमिशन दैन द ग्लोबल एवरेज तो साफ साफ बोला कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका पर कैपिटा एमिशन देखा जाए तो ये ग्लोबल एवरेज से बहुत ही कम है एक्सक्लूडिंग कार्बन डाईऑक्साइड एमिटेड फ्राम लैंड यूज़ लैंड यूज चेंजेस फॉर फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा इसके अलावा बोला गया है टेन परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स विद द हाईस्ट पर कैपिटा कंट्रीब्यूट और डिस प्रपोशनल्टी लास्ट ईयर ऑफ ग्लोबल हाउस होल्ड ग्रीन हाउस गैस अमिशन सोचिए ना वर्ल्ड के जो दस परसेंट हाउस होल्ड हैं इनका हाइएस्ट पर कैपिटाइमिशन होता है तो कहने का मतलब यह है, अगर वर्ल्ड में सौ लोग रह रहे, रहे हैं सौ में से दस परसेंट लोग ही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस अमीशन कर रहे हैं और क्या बोला गया रिपोर्ट में इन्होंने बोला गया इन एडोकेट करंट पॉलिसीज रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि गवर्नमेंट्स जो हैं वर्ल्ड की कोई भी ले लो प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बना रही हैं इस ग्रीन हाउस गैस अमिशन को रोकने के लिए देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ मीडियम ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय ट्वेंटी सेंचुरी विदाउट अ स्टैंडिंग विदाउट स्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज इसके अलावा बोला गया क्लाइमेट फाइनेंस को भी लेकर बोला गया क्या बोला गया है फाइनेशियल फ्लोज आर थ्री टू सिक्स टाइम्स लोअर सोचिए ना ग्रीन हाउस गैस अमिशन बढ़ रहा है लेकिन पैसा कोई नहीं दे रहा इसको रोकने के लिए ठीक है अगर हमें 2030 तक कुछ टारगेट अचीव करने हैं ग्रीन हा, ग्रीन हाउस गैस अमिशन को लेकर तो पैसा चाहिए चाहिए लेकिन पैसा आ नहीं रहा है तो टारगेट तो धरे के धरे रह जाएंगे अगला टॉपिक है मीथेन अमीशन ठीक है आपको पता है ग्रीन हाउस गैस अमीशन में मीथेन बहुत बड़ा रोल अदा करती है और मीथेन आपको पता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह से आता है समझते हैं मीथेन अमीशन के बारे में ये टॉपिक न्यूज़ में फिर से क्यों आ गया हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट 2030 ठीक है ये इसको कहा जाता है टू थाउजेंड रिपोर्ट भी इसको रिलीज़ कराया गया किसके द्वारा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोरिशन जिसको सी और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट रिपोर्ट रिलीज़ करिए तो आपको रिपोर्ट का नाम याद कर लीजिए और किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट वॉज लॉन्च एट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट ट्वेंटी सेवंथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको पता है कॉप ट्वेंटी सेवन्थ मीटिंग चल रही थी और वहीं यहीं पे इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा गया था दोस्तों ठीक है टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्जामिन बेस लाइन प्रोजेक्शन ऑफ मीथन अमिशन ओवर द कमिंग डीकेट्स एंड इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मीथेन प्लज टारगेट तो ओब्वियसली इस रिपोर्ट में साफ साफ क्या बताया गया इसमें एग्जामिन करा गया है बेस लाइन प्रोजेक्शन ऑफ मीथेन अमिशन ठीक है तो बेस लाइन प्रोजेक्शन बता दीजिए कि मीथेन का अमिशन कितना होगा ओवर कमिंग द डिकेट्स इसके अलावा इस मीथेन के इम्प्लीकेशन क्या होंगे फॉर ग्लोबल मीथेन प्लज को लेकर है ना आपको पता है ग्लोबल मीथेन प्लज ले रखी है वर्ल्ड लोगों ने वर्ल्ड की कंट्रीज ने अलग अलग प्लेज ले रखी है क्या जितना एमिशन हम करेंगे और जो हमने प्लेज ले रखी है वो काफ़ी है या नहीं है इसी चीज़ को इस रिपोर्ट में बताया गया है अब देख लेते हैं क्या पता करा गया है इस रिपोर्ट में पहली चीज़ पता करी गई है कि अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमोसफेयर इज़ टू सिक्सटी परसेंट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल समझ में आ गया ना तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना मीथेन था एटमॉस्फेयर में अब 260 परसेंट ज़्यादा हो गया है इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो ह्यूमन ड्रिवेन मीथेन अमिशंस हैं वो कित रिस्पॉन्सिबल हैं 45 परसेंट ऑफ करंट नेट वार्मिंग समझेगा नहीं समझे तो इंसानों ने ही धरती को ज़्यादा गर्म बना रहे हैं और बनाया है इसके अलावा इन्होंने बोला गया है रिपोर्ट में कि 2021 में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एनुअल इनक्रीज़ देखा गया है मीथेन का ठीक है आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको देख लीजिए पहले तो आप मीथेन गैस के बारे में जान लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ओबिजली मीथेन आपको पता है कलरलेस होती है इसके अलावा ऑर्डरलेस गैस होती है यानी सुगंध नहीं आती है प्राइमरी कॉम्पोनेंट है नेचुरल गैस का ऑबिजली जो नेचुरल गैस है उसमें मीथेन आपको ज़रूर मिलेगी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस अमीशन ऑब्वियसली मीथेन जो है एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस अमीशन वाली गैस है देख लीजिए मीथेन का जो लाइफ स्पैन है एटमोसफेयर में वो लगभग बीस साल तक रहता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सालों तक रहती है एनवायरमेंट में लेकिन मीथेन भी कम सालों तक तो नहीं रहते बीस साल तक तो रहती ही रहती है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखा जाए मीथेन का तो ग्लोबल यानी धरती को गर्म करने में इसका क्या पोटेंशियल है तो देख लीजिए मोर देन एटी टाइम्स ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्म करती है उससे ज़्यादा मीथेन धरती को गर्म कर सकती है और देख लीजिए मीथेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके अलावा वन एंड हाफ ऑफ द ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक जोन ओजोन फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में ओजोन फॉर्मेशन हो रहा है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मीथेन ही है इसके लिए आपको इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है टॉप फाइव मीथेन एमिटर्स में आता है वर्ल्ड में तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की पोजीशन क्या है मीथेन एमिशन को लेकर तो याद रखिए वर्ल्ड में टॉप फाइव में इंडिया आता है वेयर इज मीथेन कमिंग फ्रॉम तो देख लीजिए ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आती है वेटलैंड से निकलती है इसके अलावा इसके अलावा फोसिल फ्यूल और एक्सट्रैक्शन से फिर आती है लाइफ स्टॉक लैंडफिल्ड एंड एग्रीकल्चर वेस्ट नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स रिच कल्ट राइस कल्टिवेशन राइस कल्टिवेशन से भी बहुत ज़्यादा मीथेन आती है बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर इसके अलावा टर्मिट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स तो इन सब के चीज़ों के मतलब सीरियल थोड़ा बहुत याद कर लीजिए कि आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मीथेन का मिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है इसी से रिलेटेड न्यूज़ है मीथेन से रिलेटेड ही समझते हैं और क्या न्यूज़ है पहला है ग्लोबल मीथेन प्लज नाम से पता चल रहा है प्लज है यानी कसम है तो ग्लोबल मीथेन प्लज है समझते हैं इसके बारे में हाल ही में इस ग्लोबल मीथेन प्लज को ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन करा है इसी वजह से टॉपिक न्यूज़ में आ गया था इस ग्लोबल मीथेन प्लज को कॉप ट्वेंटी सिक्स मीटिंग में लॉन्च करा गया था जो कि 2021 में ये मीटिंग हुई थी ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके मीथेन अमिशंस को ये सिंपल सा टारगेट था इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को कौन लीड कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर लीड कर रहे हैं इसका एम क्या है सिंपल सा एम यही है कि कलेक्टिवली रिड्यूस करना मीथेन अमिशंस को ठीक है बाय एटलीस्ट थर्टी परसेंट बिलो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी लेवल्स बाई ट्वेंटी थर्टी तो टारगेट दो तक का है और हमें थर्टी रिड्यूस करना है मीथेन को 2020 के लेवल के हिसाब से देख लीजिए ग्लोबल मीथेन प्लेज के मेंबर कौन कौन है तो 100 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है और ये 100 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं 45 परसेंट ग्लोबल ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस के लिए इंडिया ने इस प्लेज को साइन नहीं करा है क्योंकि आपको पता है इंडिया का अपना एक कंसर्न बनाया कि अगर हम मीथेन प्लेज को साइन कर लेते हैं तो भारत में जो ट्रेड है और फार्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपेक्ट होगा और लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा हमारी कहने का मतलब है इकनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी इसीलिए भारत ने ये प्लज साइन नहीं कर रखी है ठीक है चलिए आज आगे, आगे समझते हैं अगला है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर समझते हैं ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ये न्यूज़ में क्यों आया क्योंकि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने बोला है कि वर्ल्ड की जो थर्टी फॉसिल फ्यूल कंपनी है ना ये वर्ल्ड का जो हाफ प्लानट वार्मिंग मीथेन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक है मात्र थर्टी कंपनीज सोचिए ना हाफ जो है मीथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर आपको बताना चाहिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम सिंपल है कि डेवलप करना और शेयर करना इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी ओबियसली आपको पता है दुनिया भर में एक क्लीन एनर्जी को लेकर मूवमेंट चल रहा है उसी को ये सपोर्ट करते हैं अगला है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी जिसको आई एम ई ओ शॉर्ट में कहा जाता है समझते हैं ये इंटरनेशनल मीथेन अमिशन ऑब्जर्वेटरी न्यूज में क्यों आ गई क्योंकि हाल ही में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आई एम ई ओ यानी इंटरनेशनल मीथेन अमिशन ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट रिलीज करी है और इसमें इन्होंने बोला है कि कटिंग मीथेन एमिशंस इज़ फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म अगर हम इन्होंने बोला है, साफ साफ कि अगर हग, अगर हमको शॉर्ट टर्म में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है इसको टैकल करना है तो एमिशन को अगर आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर दोगे तो ये फास्टेस्ट वे है हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं तो मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल और एमिशन है ठीक है आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जिसको लॉन्च करा गया था 2021 में और यूरोपियन यू कमीशन ने भी इसको सपोर्ट कर रखा है एम क्या है इस इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी का सिंपल सा एम यही है कि कैटलाइज करना रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशन स्टार्टिंग विद फोसल फ्यूल सेक्टर कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लज तो ऑब्वियसली ये कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर भी है किसका ग्लोबल मीथेन प्लज का जो भी अभी अभियव मैंने आपको ऊपर बताई है अगला है नास अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन तो जिसको शॉर्ट में एमिट मिशन कहा जाता है फिर से रीड कर देता हूँ एमिट का फुल फॉर्म क्या है एमिट का फुल फॉर्म है अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन ठीक है समझते हैं इसके बारे में एमिट मिशन ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आ गया मीथेन सुपर एमिटर्स वर मैप्ड बाय नासास अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में आ गया था एमिट वाला क्योंकि ये एमिट जो मिशन है नासा का इसने ऑब्जर्व करा कि सुपर एमिटर्स कौन से मतलब मीथेन को कौन सी चीज़ें हैं धरती पर वो जो सब जो सबसे ज़्यादा मीथेन को प्रोड्यूस करती है यानी मीथेन को निकालती हैं तो देख लीजिए इस एमिट मिशन ने क्या बताया एमिट मिशन हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन फिफ्टी सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस तो इसने इस एमिट मिशन ने पचास ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं जो कि सबसे ज़्यादा एम क्या मीथेन को एमिट करती हैं कहाँ कहाँ सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में सुपर एमिटर्स क्या होते हैं तो ऑबियजली सुपर अमिटर्स का नाम से पता चल रहा है ना जो सबसे ज़्यादा एम, एमिशन को एमिट करेंगे यानी मीथेन को एमिट करेंगे देख लीजिए सुपर अमिटर्स कौन कौन से हैं अब इन्होंने साफ साफ बताया कि सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से निकलती है इन्होंने बोला फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली इन द फॉसिल फ्यूल तो याद रखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं इक्विपमेंट हैं अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जो वेस्ट है इसके अलावा एग्रीकल्चर है ठीक है ये सबसे ज्यादा मीथेन को एमिट करते हैं तो मैं बता ही चुका हूं फेसिल फ्यूल तो मैंने आपको बताया प्रिलियम्स में भी ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है तो फॉसिल फ्यूल सबसे टॉप पर रहेगा इसको याद रखिए ठीक है अगला टॉपिक है वो है ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस समझते हैं ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है और आर्कटिक आइस इसके बारे में भी समझ लेते हैं पहली बात तो ये कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आ गया क्योंकि हाल ही में टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज फ्लैग्ड चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ द आर्कटिक ओशन आफ्टर डिस्कवरिंग एसिडिटी लेवल्स इंक्रीजिंग थ्री टू फोर टाइम्स फास्टर देन द ओशन वाटर्स एसवेयर तो इन्होंने बोला हाल ही में रिसर्चर्स ने एक्चुअली एक स्टडी करी और उसमें इन्होंने पता करा कि जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर जो एसिडिटी लेवल है वो तीन से चार गुना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू दूसरे ओशन्स है ना दूसरे ओशन्स को देखा जाए तो उनके मुकाबले यहाँ एसिडिटी तीन से चार गुना बढ़ रही है जिसकी वजह से वो क्या रहा है आर्कटिक ओशन बहुत ज़्यादा पिघल रहा है क्या हो रहा है पिघल रहा है इस वजह से टॉपिक न्यूज में आ गया था इस रिपोर्ट की वजह से ठीक है आगे बढ़ने से पहले ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क इसके बारे में जान लेते हैं जिसको शॉर्ट में गोवा ऑन कह सकते हो गोवा ऑन का गोवा राज्य नहीं है गोवा का फुल फॉर्म है ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क तो नाम से पता चल रहा है कि ये ये जो नेटवर्क है किस चीज को लेकर काम करता है ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन यानी ओशन्स का कितना एसिडिफिकेशन हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन को लेकर काम करता है समझते हैं क्या है एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसको इस्टेब्लिश करा गया था दो में एम सिंपल है कि डिटेक्ट करना अंडरस्टैंड करना ड्राइवर्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन मतलब कौन कौन से ड्राइवर्स हैं कौन कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है इसके अलावा कोस्टल में ओशन कोस्टल uh, में एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ठीक है जिसकी वजह से मैरिन इकोसिस्टम चेंज भी हो रहा है आपको पता है ना जब एसिडिफिकेशन ज़्यादा होता है तो जो भी पौधे होते हैं पौधे होते हैं जो समुद्र में उनका ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से आपने एक एल्गल ब्लूम भी पड़ा होगा एनवायरमेंट में अब समझते हैं ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या है देखिए सिंपल सा मतलब होता है ओशन एसिडिफिकेशन का कि ओशन का जब पीएच वैल्यू है वो एक्सटेंडेड पीरियड में जब डाउन हो जाती है ना पी वैल्यू तो हम कहेंगे कि ओशन का क्या हो रहा है एसिडिफिकेशन हो रहा है ये सिंपल सी डेफिनेशन है अब प्राइमरी कारण क्या है ओशन एसिडिफिकेशन का पहला कारण तो यही है कि ओशन में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है ठीक है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है अब ओशन कैसे कार्बन uh, डाइऑक्साइड ले रहा है ओबिजली एटमोसफेयर से ले रहा होगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर ओशन का एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा तो हार्मफुल होगा जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि रिलाई करती हैं कार्बोनेट बेस्ड शेल्स के ऊपर स्केल्टन के ऊपर उनकी लाइफ को हार्म होगा ठीक है इसके अलावा ऑल्टर्ड मेरिन फूड चें ऑब्वियसली जो भी मेरिन फूड चेंस हैं उनका ऑल्टरेशन हो जाएगा और ऑल्टरेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी डेथ भी हो सकती है ये सारे के सारे इम्पैक्ट आएंगे और आप सोचिए ना इनका लाइफ स्टाइल अगर ख़त्म हो जाएगा जो भी ओशन में लाइफ लाइफ्स हैं लाइफ अगर वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ह्यूमंस भी खत्म हो सकते हैं आप समझ लेते हैं दूसरा टॉपिक जो था इसी के अंदर जुड़ा हुआ वो था आर्कटिक रीजन मैंने बताया ना इस ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है आर्कटिक ओशन जो है वो पिघल रहा है ठीक है देख लीजिए आर्कटिक ओशन क्या है आर्कटिक रीजन क्या है ज्योग्राफिक रीजन स्प्रेडिंग अराउंड द नॉर्थ पोल ऑब्वियसली आपको पता है नॉर्थ पोल में आर्कटिक होता है नीचे होता है अंटार्कटिक ये तो सिंपल सा मतलब होता है तो आर्कटिक रीजन को डिफाइन कैसे करा गया है एरिया विद इन द आर्टिक सर्कल अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ अबाउट सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर ओबियसली सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर होगा उसके ऊपर का रीजन आर्टिक रीजन कहलाता है सिग्निफिकेंस क्या, क्या है सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक रीजन का आपको पता आर्कटिक रीजन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है ठीक है पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मेकिंग रीजन मोर एक्सेसिबल फॉर द इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऐसा माना जा रहा है कि अगर एसिडिफिकेशन होगा या कहले कह लीजिए कि आर्कटिक ओशन जो है पिघलेगा तो इसकी वजह से ऊपर का जो नॉर्थ रूट है ना वो खुल जाएगा आप देख लीजिए मैप देख लीजिए ये आपको पता है अभी नॉर्थ से ना रशिया वगैरह इधर से नहीं आ पाते कोई भी कंट्री नहीं आ पाता क्योंकि बर्फ़ जमा हुआ है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये पिघल गया बर्फ़ उसके बाद ना रास्ता खुल जाएगा तो ऊपर से भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि ऑयल और गैस के रिज़र्व इसके अलावा मेटल्स के भी यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व मिल सकते हैं ठीक है तो दूसरा तो मैं बता ही चुका हूँ रूट खुल जाएगा इसके अलावा हेल्प्स सर्कुलेट वर्ल्ड ओशन करंट्स ऑब्वियसली जो वर्ल्ड की ओशन करंट्स हैं उनको आ, फैलाने में भी मदद करता है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं कि आर्कटिक ओशन के पिघलने के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है देखिए नेगेटिव तो बहुत सारे आप लोग बता दोगे लेकिन पॉजिटिव भी आपको पता होना चाहिए इसके अलावा करैक्टराइज्ड एज़ वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंजेस बारोमीटर तो ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि आर्कटिक ओशन पिघल रहा है इसका मतलब क्या है कि आर्कटिक ओशन पिघलना एक पैरामीटर है कि कैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो एक तरीके का वो पैरामीटर भी आप इसको मान सकते हो अब समझते हैं कि इंडिया का रोल क्या है आर्कटिक ओशन में ठीक है पहला है इंडिया का आपको पता है इंडिया 2007 से ही एक रिसर्च प्रोग्राम चला रहा है आर्टिक आर्कटिक ओशन में ठीक है तो वो रिसर्च प्रोग्राम हमारा चल रहा है और क्या देख लीजिए इंडिया का क्या रोल है इसके अलावा इंडिया ने आपको पता है फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी भी शुरू कर रखी है इसके अलावा वन ऑफ द ऑब्ज़र्वर्स इन द आर्कटिक काउंसिल आपको पता है एक ग्रुप बना हुआ है आर्कटिक काउंसिल उसमें इंडिया एक ऑब्जर्वर ग्रुप है इसके अलावा इंडिया का जो हिमाद्री स्टेशन है ना ये भी आर्कटिक में स्थित है ये पूछा जाता है एक गंगा स्टेशन भी है दोस्तों ये अंटार्कटिका में है और हिमाद्री जो है आपको पता होना चाहिए ये आर्कटिक ओशन में स्थित है ठीक है ये कंफ्यूज कर दिया जाता है तो ये आप याद रख लीजिए ये मिशन चलाया जा रहा है भारत के द्वारा और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड न्यूज़ आर्कटिक एम्पलीफिकेशन देखिए एम्प्लीफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ता हुआ रूप है ना बढ़ता हुआ रूप तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या है नाम से पता चला कि आर्कटिक का विस्तार हो रहा है ठीक है आर्कटिक इज़ हीटिंग अप टू फोर टाइम्स एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन तो याद रखिए आर्कटिक एम्पलीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आर्कटिक ओशन जो है चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है अगर हम कंपेयर करें उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ठीक है अब समझ लेते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है आर्कटिक एम्पलीफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि एनहेंसमेंट ऑफ नियर सरफेस एयर टेम्परेचर है ना नियर सरफेस एयर टेम्परेच टेम्परेचर का इनक्रीज होना ठीक है आर्कटिक ओशन के ऊपर फिर से बोलता हूँ ये आर्कटिक ओशन है इसके जो नियर सरफेस का एयर टेम्परेचर है ये एयर टेम्परेचर है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड कॉजेज़ क्या हैं इस आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के पहला कॉज तो यही है पहला कारण तो यही है कि यहाँ का सर्फेस टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग दूसरा है आइस एल आपको पढ़ रखा होगा ना आइस एलबीडो क्या होता है कि आइस पे जब रोशनी पड़ती है सूरज की तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ का जो ऑब्वियसली एयर प्रेशर है ना वो गर्म हो गई होगा इसके अलावा लैप्स रेट फीडबैक वाटर वे पर फीडबैक ओशन हीट ट्रांसपोर्ट ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा ऑब्वियसली ये अफेक्ट करेगा फॉर्ना ऑफ द रीजन स्पेशली पोलर बियर्स है ना जो पोलर बियर्स रहते हैं उनको अफेक्ट होगा क्योंकि देखिए ना आर्टिक ओशन पिघलेगा तो ऑब्वियसली जो पोलर बियर्स रहते हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होगी बेल्स की सील्स की इसके अलावा वुड ओपन अप आ न्यू सी रू ट्रेड है ना तो एनवायरमेंट को लेकर आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे लेकिन अगर आप बोलोगे इकोनॉमी को लेकर तो कुछ कुछ पॉजिटिव स्टेप भी लिख सकते हो ठीक है अगला टॉपिक है जूम्बी आइस और डूम्ड आइस अब समझते हैं ये जुम्बी आइस क्या होता है पहले समझते हैं ये जुम्बी आइस टॉपिक न्यूज में आया क्यों जुम्बी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीन लैंड आइस शीट विल इवेंचुअली रेज ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट टेन इंचेस समझ में आ गया तो जुम्बी आइस दोस्तों कुछ नहीं है एक आइस का टुकड़ा है जो कि ग्रीन लैंड आपने देखा होगा ना डेनमार्क का है ये ग्रीन लैंड डेनमार्क के ऊपर में ही दिखेगा आपको तो ग्रीन लैंड का एक टुकड़ा है आइस का जिसको जुम्बी आइस कहा जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जुम्बी आइस का टिकड़ा टुकड़ा, टुकड़ा पिघल गया तो वर्ल्ड का जो सी लेवल है वो दस इंच से बढ़ जाएगा ठीक है समझते हैं इसके बारे में और इट इज़ द आइस दैट इज़ स्टिल अटैच टू द थिकर एरियाज ऑफ आइस ऑब्वियसली ये जुम्बी आइस जो है अभी भी थिकर एरिया से अटैच है लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियसली अटैच नहीं रह पाएगी क्योंकि दोस्तों जो इसको आइस मिलती थी अटैच होने के लिए वो अब ग्लेशियर्स में बची नहीं है और धीरे धीरे पिघल जाएगी अगला है इसी के अंतर्गत वो है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। समझते हैं आर्कटिक रिपोर्ट दो कार्ड 2022 के बारे में इसको रिलीज कराया गया है यूएस नेशनल ओशनिक एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको नो आ कह सकते हो शॉर्ट में ठीक है ये एनुअली रिलीज करा जाता है दो के छः से यह है क्या आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड दो के इसके बारे में समझते हैं अ पियर रिव्यूड सोर्स दैट प्रोवाइड एन अप टू डेट एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन ऑन आर्कटिक नाम से पता चल रहा है भाई एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन पढ़ाएगा बताएगा आर्कटिक को लेकर देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट बताया गया है इसमें बोला गया है कि आर्कटिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन द टवाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ दर्ड ग्लोब वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि आर्कटिक का टेम्परेचर दूसरी दुनिया के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है परसिस्टेंट समरसी आइस ड्यू टू कूलर सरफेस वाटर्स एंड नॉर्थ विंड्स ऑफ चु सी सी तो ये सारा का सारा रिपोर्ट में बताया गया है ठीक है दोस्तों आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं अगले लेक्चर के जरिए हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशनस और इनिशिएटिव्स को पढ़ेंगे अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू